संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा जैसी घटनाओं से निपटने के लिए 11वीं एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम मलाव तहसील बासगांव के राप्ती नदी के तट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के क्षेत्रीय प्रत्युत्तर केंद्र गोरखपुर के बचाव दल की टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामों में ग्रामीणों को बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए बाढ़ आपदा से निपटने एवं जान माल बचाने की विधियाँ बताई गईं। डूबते व्यक्ति को पानी में जाकर बचाने का तरीका व बाहर से ही बचाने का तरीका विस्तृत रूप से बताया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ के द्वारा आपदाओं के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताए। जागरूकता अभियान एवं मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता एवं बाढ़ प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना, जिससे आपदा आने पर होने वाली हानि को कम किया जा सके। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी बांसगांव अरुण कुमार मिश्रा, निरीक्षक डीपी चंद्रा, एनडीआरएफ टीम के संजय कुमार अग्रहरी, तहसीलदार बांसगांव नितेश सिंह, सर्किल ऑफिसर, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, कानून गो, लेखपाल, ग्राम प्रधान समेत क्षेत्र की जनता मौजूद रही। के भाग नंबर 3 पे एनडीआरएफ की टीम द्वारा आप लोगों को प्रदर्शित की गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपने व्यावहारिक ज्ञान यहाँ पर लिया है उसको जब आप अपने फील्ड में जाएं, अपने गांव में वापस लौटें, तो उसको कम से कम अन्य लोगों को से भी शेयर करें। जैसे आपदा की स्थिति में सभी को अगर जानकारी होगी तो सबको राहत मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सभी लोगों को साधुवाद यहाँ पर आने के लिए।